नमस्कार। पिछले हफ्ते हम लोगों ने बात की थी कोविड के टीके की, किस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक अपनी अपनी कीमतें तय कर रहे हैं और सरकार उनको छूट दे रही है कीमत तय करने के लिए। ये एक बड़ी अजीब बात है, क्योंकि संकट के समय में जबकि सब लोग ये मांग कर रहे हैं। आप देखिए कि सारे विपक्षी दल जितने विशेषज्ञ हैं, आप अखबारों में संपादकीय उठा के देख लीजिए, जितने चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, नीति निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, सब कह रहे हैं कि ये टीका भारत के सभी लोगों को मुफ्त में लगना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार, जैसे कि उसकी खासियत है, वो लोगों की बात नहीं सुन रही है। आज तक उसने लोगों की बात नहीं सुनी। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं मन की बात, लेकिन करते हैं मनमानी। तो बस उन्होंने इतनी रियायत दी है कि अगर आप पहला टीका लगवा लेंगे तो दूसरा टीका वो आपके लिए मुफ्त कर देंगे, लेकिन फिर भी वो पैसा लेंगे पहले टीके का। और ये बड़ी एक अजीब बात है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं गुजरात से हूँ, मैं व्यापार करना जानता हूँ। तो ये इनका इनका व्यापार का मॉडल है कि निजी कंपनियों को वो फायदा पहुंचाते हैं और बदले में निजी कंपनियां जो है उनकी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए चंदा देती हैं। अब ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है। किसान विरोधी कानून जो उन्होंने बनाए हैं, उसमें ये बात बहुत साफ हो गई है कि वो कानून किसानों के लिए नहीं, वो अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए बने हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। इसलिए अगर आप सिंघू बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर पे जाएंगे तो वहां बाकायदा ऐसे बैनर लगे हुए जिसमें मोदी अडानी अंबानी का गठजोड़ दिखाया गया है और किस तरह से ये मीडिया के माध्यम से अपने अपने भ्रम को फैलाते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। और किसान आंदोलन में पहली बार हमने सरकार के खिलाफ ही नहीं बल्कि अडानी अंबानी के खिलाफ भी लोगों को मुखर होते हुए देखा। पंजाब में जो जियो के टावर्स थे उन पे हमले हुए, तो पहली बार लोगों का आक्रोश भी निकला है इन पूंजीपतियों में मोदी सरकार के दौर में। और अब यही खेल जो है अडार पूना वाला और भारत बायोटेक के साथ मोदी कर रहे हैं कि उनको पैसा कमाने की छूट दी हुई है और बदले में निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे होंगे। अब इस बीच एक ऐसी मजेदार घटना हुई कि अडार पूना वाला जो है वो देश छोड़ के चले गए इंग्लैंड। अब वो कह तो रहे हैं आएंगे, इसमें भी दो तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर में वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं अब लंबे समय के लिए आ गया हूँ इंग्लैंड, लेकिन जब बहुत दबाव पड़ा तो शायद वो कह रहे हैं कि मैं लौटूंगा जल्दी ही। लेकिन खास बात यह है कि वो परिवार को लेके गए, तो संभव है कि नीरव मोदी की तरह और विजय मल्ल्या की तरह अब वो दीर्घकालिक पलायन कर गए हैं इस देश से और सरकार का 3,000 करोड़ रुपया वो लेके गए। अब ये कितना कोविशील्ड टीके बनाएंगे ये तो आने वाला दिन बताएगा। कम से कम इतना तो नहीं बना रहे हैं कि भारत की सारी जरूरत पूरी हो सके। इसमें गलती सरकार की है, क्योंकि सरकार ने जो शुरू में ऑर्डर दिया था पिछले साल यानी 2020 के आखिर में जो उनके साथ समझौता किया था, उतने टीके सरकार ने खरीदे नहीं उनसे, वो धीरे धीरे खरीद रही है, जबकि टीकों की जरूरत है। और चाहिए तो ये था कि उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा के टीकों का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं हुआ। अभी भी जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का टीका सीरम बना रहा है, वो दूसरी कंपनियां क्यों नहीं बना सकती? पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि आप ओपन बिडिंग कीजिए, आप कंपनियों को बुलाइए, भारत में दवा बनाने वाली दूसरी कंपनियां भी हैं, दूसरे देशों की कंपनियों को भी आप बुला सकते हैं, क्योंकि आपने तो अब अर्थव्यवस्था को खुला कर दिया है। और आप देखिए कि कौन सबसे सस्ते से सस्ते दाम में आपके लिए टीका बना सकता है। सरकार 150 रुपये में खरीद रही थी अभी तक, लेकिन अब वो राज्य सरकारों को मजबूर कर रही है कि वो 300 रुपये में खरीदे सीरम से और 400 रुपये में खरीदे भारत बायोटेक से, और प्राइवेट अस्पतालों को मजबूर किया जा रहा है कि वो 600 रुपये में सीरम से और 1,200 रुपये में वो खरीदे सीरम।
भारत बायोटेक से। तो ये जो नीति है सरकार की एकदम गलत है। टीके के निर्माण की खुली छूट देनी चाहिए इस समय। जो भी इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह के व्यवधान है उनको दूर किया जाना चाहिए। कम से कम जो भारत बायोटेक का टीका है उसकी उसका शोध तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने किया है, वो तो अपने देश की संस्थान है, भारतीय चिकित्सा शोध परिषद की। तो वो तो आप कंपनियों को दे ही सकते हैं, उसका जो ज्ञान है उसमें कोई रोक नहीं है। और बाकी कंपनियां भी चाहे तो इसको बना सकती हैं, लेकिन पता नहीं सरकार ने इसको खुला क्यों नहीं किया है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, यानी कि और खास करके जेनेरिक दवाओं में, जेनेरिक यानी कि पेटेंट से मुक्त उसको कंपनियां बनाती हैं, इसलिए उनके दाम कम रहते हैं। और ये तो बहुत एक अपने देश के लिए गर्व की बात है कि हम इतनी दवाएं बनाते हैं कि दुनिया के तीसरी तीसरी दुनिया के देशों को भी हम यहाँ से देते हैं। टीके बनाने का भारत सबसे बड़ा केंद्र है पूरी दुनिया में, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अब हमें टीके बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर अवधारणा के ठीक उल्टा हो रहा। मतलब भारत दुनिया की फार्मेसी थी पहले, वो दवाएं बनाती थी, टीके बनाती थी, दुनिया के अन्य देशों को वो देती थी, लेकिन अब जो है हालत ये हो गई है कि भारत जो टीके बना रहा है वो कम पड़ रहे हैं सरकार की नीतियों के कारण, और भारत को दूसरे देशों से मांगना पड़ रहा। तो मोदी ने इस देश को आत्मनिर्भर से, जो अब जो आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी दबा देता था, अब इसको इन्होंने पर निर्भर बना दिया। अब वो दूसरे देशों पर निर्भर हो गया है। हम दुनिया के सामने, हमारी हालत ये है कि इस समय हमको हाथ फैलाना पड़ रहा है। अगर अन्य देशों से हमें मदद न मिले ऑक्सीजन की, दवाओं की, टीकों की, तो हम इस महामारी का सामना अपने अकेले बलबूते नहीं कर सकते। सरकार पूरी तरह से विफल है, ये देखा जा रहा है। तो ये जो छूट दी गई है ये एकदम वापस होनी चाहिए। सरकार को इसका दाम तय करना चाहिए और अन्य कंपनियों को भी खुली छूट देनी चाहिए ये टीका बनाने के लिए। एक अन्य बात मैं ये कहना चाहूंगा कि नया संसद बन रहा है, वहाँ एक सेंट्रल वीस्टा नाम का एक एक मार्ग बन रहा है, और उसको जो है एसेंशियल कमोडिटीज में शामिल कर लिया गया है, आवश्यक वस्तु में, यानी कि आप उसको प्राथमिकता के तौर पे बनाएंगे। ये बड़ी विचित्र बात है, जबकि पैसों की जरूरत है महामारी से लड़ने के लिए। भारत का जो स्वास्थ्य का बजट है वो 2% से कम है अपने सकल घरेलू उत्पाद से। दुनिया के किसी भी देश में बजट इतना कम नहीं है। जिनके यहाँ अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, हर एक देश में 4%, 6%, 8% तक भी बजट है, उससे ज्यादा भी है। यानी अन्य देश अपने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं, हम पैसा नहीं खर्च करते हैं, हम जो है फालतू चीजों पर पैसा खर्च करते हैं। जैसे अब तो कोरोना के बाद तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें कि हम कहीं भीड़ इकट्ठा करने का काम करें। अब ज्यादातर जो बैठकें हैं, जैसे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब अब प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो रहा है बिना मिले। मतलब मैं कहीं बैठ के बोल रहा हूँ, आप अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं। अब ज्यादातर बातचीत इस तरीके से हो रही है। तो ऐसे समय में आपको एक संसद भवन पे, नए संसद भवन पे, और जो सेंट्रल वीस्टा है उस पे आपको इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? वो सारा पैसा इस समय तुरंत कोरोना से लड़ने के लिए लगना चाहिए। पीएम केयर्स फंड के बारे में तो प्रधानमंत्री बताने को नहीं तैयार है कि उसमें कितना पैसा है। वो बताते हैं कि वो उनका निजी फंड है प्रधानमंत्री के नाम पे, लेकिन उसको निजी फंड बताते हैं। पैसा उसमें सार्वजनिक उपक्रमों से लिया गया है, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से काट के लिया गया है, लेकिन वो जो है बताते हैं कि इसको सूचना के अधिकार में इसके बारे में जानकारी नहीं मांगी जा सकती क्योंकि वो निजी ट्रस्ट है। तो
ये अजीबोगरीब सरकार है जिसकी प्राथमिकताएं एकदम उल्टी हैं, इसकी प्राथमिकताओं में जनता कहीं है नहीं, और ये ऐसी चीजों पे पैसा खर्च कर रही है जैसे इसने बुलेट ट्रेन की परियोजना एक ली थी उसका मालूम नहीं क्या हुआ, सरदार पटेल की मूर्ति पे इतना पैसा खर्च किया, ये सब जो फिजूल खर्ची की है नरेंद्र मोदी ने, आप देखिए इसका परिणाम आज देश भुगत रहा है। क्योंकि ये सारा पैसा अगर हमारी चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगता, हमारे स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाने में लगता, तो आज हम कहीं बेहतर स्थिति में होते इस स्थिति से मुकाबला करने में। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इस समय शमशान घाट में आपको मालूम है कि इतनी अधिक लाशें आ रही हैं कि एक साथ चिताओं को बना के कई चिताएं एक साथ जल रही हैं। मैं खुद मेरे ख्याल से वो तारीख थी शायद 12 या 14 अप्रैल को मेरे मामा जी का निधन हो गया था, मैं गया था लखनऊ में भैंसाकुंड पे, और उस दिन मैंने देखा कि 7-8 लाशें एक ही साथ आई थी, वो चिता लगाई गई और फिर कर्मचारियों ने ही आग लगाई क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने परिवार के सदस्य को आग भी नहीं देना चाह रहे थे जो इससे बीमारी होने का खतरा है। और अब तो सुन रहे हैं कि 60-70 लाशें भी कई बार देखी जा रही हैं एक साथ जलते हुए, तो ये दृश्य अपने आप में बहुत भयावह तो है ही है, एकदम झकझोरने वाला है, लेकिन इससे जो इसमें जो जितनी लकड़ी लग रही है, जितना प्रदूषण हो रहा है, उसमें मुझे लगता है कि हमको अपने तरीकों को बदलने पर विचार करना चाहिए। जो तरीका है शरीर को गाड़ने का बहुत सारे धर्मों में है, और हिंदू धर्म के अंदर भी मैंने देखा है, हरदोई में मेरा आश्रम है, मैंने देखा है जो गरीब गांव वाले हैं, खास करके पिछड़ा वर्ग दलित जातियों के, उनके परिवार में कोई मृत्यु होती है तो वो अपने जो मृत शरीर है उसको अपने खेत में ही गाड़ देते, क्योंकि शायद उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ले जाके उसको कहीं नदी के किनारे जला सकें, नदी भी वहां से दूर है। क्रेमेटोरियम में बहुत सारे लोग जलाते हैं, लेकिन क्रेमेटोरियम में भी जो बिजली आती है वो तो असल में कोयला जला के ही आती है, तो वो हमें देखने में भयावह नहीं लगेगा, लेकिन कोयला तो उसमें भी जल रहा है, प्रदूषण तो हो ही रहा है। तो ये शरीर को जलाने वाला जो जो क्रियाकर्म है हिंदू धर्म के अंदर, अन्य धर्मों में भी है, ये मुझे लगता है इस पे विचार किया जाना चाहिए कि इसको बदला जाए और शरीर को दफना के उसका अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि पर्यावरणीय दृष्टि से ये बहुत अनुकूल, आपको इतनी लकड़ी नहीं खर्च करनी पड़ेगी, अपनी इतना पोल्यूशन, इतना इतना प्रदूषण नहीं होगा। हालांकि आज अखबार में ये भी खबर है कि कब्रिस्तान में भी जो है जगह की कमी हो गई है, तो उसमें एक सुझाव ये है कि जब जब शरीर को दफनाया जाए मृत शरीर को, तो ऊपर आप कुछ समाधि वगैरह ना बनाएं, आप उसको ऐसे ही रहने दें, ऊपर एक पेड़ लगा दें ताकि ये पहचान रहे कि हाँ यहाँ एक शरीर एक गाड़ा गया है, और जब वो शरीर सड़ गल जाए और मिट्टी में मिल जाए तो वहां पे दूसरा शरीर गाड़ा जा सकता है उसी पेड़ के बगल में, और सिर्फ कब्रिस्तान तक सीमित न रखा जाए, बहुत सारी जमीन है जो खाली पड़ी हुई है, रेलवे लाइन के किनारे बहुत सारी जमीन है जो खाली पड़ी हुई है, रेलवे की जमीन है, इन जमीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है शरीरों को दफनाने के लिए। तो वैसे तो कोरोना ने जो हमें सबक दिए हैं इसमें हमें हमें बहुत सारे अपने जीवन शैली में परिवर्तन करने चाहिए, जैसे कि आप देखें कोरोना का ज़्यादा प्रभाव शहर के जो मध्यम वर्ग, जो उच्च मध्यम वर्ग तबके हैं उनमें है। आप अगर गरीब बस्तियों में जाएंगे तो वहां आपको कोरोना के इतने मामले नहीं दिखे, जबकि ताजुब की बात है कि लोग घनी बस्तियों में इतना उनके बीच में बिना दूरी बनाए रहते हैं, ज्यादातर लोग गरीब लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, अगर आप उनकी बस्तियों में चले जाएंगे तो बिना मास्क पहने हुए बिना दूरी बनाए हुए भी कोरोना के इतने मामले आपको गरीब बस्तियों में नहीं दिखाई पड़ेंगे शहरी बस्तियों में,
और न ही आपको ग्रामीण इलाकों में इतने मामले दिखाई पड़े। पहले तो बिल्कुल नहीं कोई खबर आती थी, अब थोड़ी बहुत खबर आने लगी है लोगों के मरने की। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बहुत सारे लोग कोरोना से ग्रसित होकर मरे हैं, लेकिन फिर भी गांव की संख्या शहरों की तुलना में अभी बहुत कम है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो श्रम कर रहे हैं, जो प्रकृति के ज्यादा नजदीक है क्योंकि वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे आपके जैसे कमरे के अंदर नहीं बैठे हैं, हम में से बहुत सारे लोग वातानुकूलित माहौल में रहते हैं, तो हमें प्राकृतिक हवा नहीं मिलती है क्योंकि प्राकृतिक हवा में ही 21% ऑक्सीजन। तो प्राकृतिक हवा में जो लोग रह रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जिनके यहाँ वातानुकूलित माहौल होने का सवाल ही नहीं है, जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि कोरोना का वो ज्यादा अच्छी तरह से मुकाबला कर पा रहे हैं, बजाय उनके जो बहुत सुरक्षित माहौल में रहते हैं, जो जो वातानुकूलित माहौल में रहते हैं, जो शरीर से श्रम नहीं करते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि जो गांधी जी ने कहा था कि मशीन का हम उतना ही इस्तेमाल करें जितना वो हमारे हमारे लिए उपयोगी है। वो तो धार्मिक व्यक्ति थे, वो उनका मानना था कि आत्मा की मुक्ति होनी चाहिए, तो उनका तो कहना था कि वो आत्मा की मुक्ति में सहायक हो तो ठीक है, शरीर को भी वो एक मशीन मानते थे। वो कहते थे शरीर समेत जितनी मशीनें हैं वो अगर हमारी आत्मा की मुक्ति में सहायक बनती हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रेलवे और अस्पताल को उन्होंने गैर जरूरी चीजें माना है, मजबूरी मानी है हमारी। तो उनका ये कहना था कि मनुष्य को श्रम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना उत्पादन के, बिना श्रम किए मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही नहीं सकता, और इतना मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि उसके हाथ खाली हो जाए, बेरोजगारी बढ़े, भुखमरी बढ़े। उनका कहना था कि समय बिल्कुल बचना चाहिए, हमारे संसाधन बचने चाहिए, लेकिन जो भी हम समय बचा रहे हैं या जो हम प्रगति कर रहे हैं वो उसकी उसके उसके फायदे का बंटवारा बराबर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विकास हमारा ऐसा हो जिसका फायदा कम संख्या में लोगों को ज्यादा हो और जो एक बड़ी संख्या है, जो बहुसंख्यक वर्ग है समाज का, उसको उतना फायदा ना मिले। तो कुल मिला के एक एक ऐसे विकास की कल्पना थी जो जो सतत हो, जो बराबरी वाला हो, जिसका जिसका फायदा बराबर ढंग से पूरी मानव जाति को मिले। अगर समय बचाना है तो सबका समय बचाया जाए, अगर प्रगति होनी है तो उसका लाभ सबको मिले बराबर ढंग से। इस तरह की एक कल्पना गांधी जी की थी, और मुझे लगता है कि कोरोना भी हमें यही सीख दे रहा है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने जीवन में परिवर्तन करने चाहिए, ताकि हम प्रकृति से ज्यादा तालमेल बना के हम रह सकें। अगर हम प्रकृति से ज्यादा दूर जाएंगे, प्रकृति से अपने तालमेल को बिगाड़ेंगे, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, जैसे कि हमको वर्तमान समय में भुगतना पड़ रहा है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यही मुझे लगता है कोरोना का सबसे बड़ा सबक है मानव जाति के लिए, कि हमें अपनी जीवन पद्धति को, जीवन शैली को बदलना पड़ेगा और हमें पर्यावरण के ज्यादा नजदीक जाना पड़ेगा। जो भी हमारी जीवन पद्धति से जो प्रदूषण हो रहा है उसको हमें कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अपने श्रम से हम ज्यादातर जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करें, दूसरे के श्रम पे निर्भर न रहें और शोषण तो बिल्कुल न करें दूसरों का। इस तरह की स्थिति बननी चाहिए। तो ये सब बिंदु हैं जिस पे मुझे लगता है कि विचार करने की जरूरत है, और अगर हम विचार करेंगे और अपने अपने तरीकों को बदलेंगे जीने के, तो पर्यावरण
पर्यावरण तो बचेगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि मनुष्य को भी फायदा होगा, और ये हमें अब इसके बारे में सोचना और करने का वक्त अब आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।